हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तों ये मिल गया है न्यू पासपोर्ट मुझे जो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि करेक्शन कैसे करना है अगर आपके पासपोर्ट में डेढ़ साल बचा है तो करेक्शन कैसे करना है तो मैं पवन स्मार्ट मोनीटर पे ये वीडियो छोड़ा था तो ये ब्लॉगिंग चैनल पे मैं छोड़ रहा हूँ वीडियो ये मुझे न्यू पासपोर्ट मिला है मैं इसका अनपैकिंग फुल वीडियो पवन स्मार्ट मोनीटर यूट्यूब चैनल पे करूँगा तो कुछ मैं अंडर हाइड कर दिया हूँ ताकि चैनल पर कोई इशू ना आए तो देख सकते हैं ये मिला है न्यू पासपोर्ट इसका पूरा अनपैकिंग वीडियो आपको पवन स्मार्ट मोनीटर पर मिल जाएगा अगर आपके पासपोर्ट में आप कहीं विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं वर्क परमिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और एक साल बचा है तो उसमें एक साल बचा है तो आपको पासपोर्ट में वैलिडी मांगता है कम से कम दो ईयर रहे दो ईयर से तीन ईयर उसमें वैलिडी रहे अगर दो ईयर से तीन ईयर वैलिडी नहीं रहेगा तो वो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कहेगा दो से तीन ईयर इसमें वैलिडी है इसको जो है आप पासपोर्ट का वैलिडिटी बढ़ा लीजिए रिन्यूअल री, करा लीजिए रिन्यूअल होगा नहीं क्योंकि वन ईयर से पहले रिन्यूअल नहीं होता है अगर वन ईयर आपके पासपोर्ट में बचा है तो रिन्यूअल हो जाएगा अगर नहीं बचा है तो नहीं होगा दो ईयर है आपके पासपोर्ट में आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं जैसे कि मेरे केस में था तो रिन्यूअल हो गया क्योंकि मैं इसमें करेक्शन किया था इसमें सिग्नेचर जैसे आप सिग्नेचर चेंज कर लेंगे तब भी आपका रिन्यूअल हो जाएगा और दस ईयर के लिए टेन ईयर के लिए पासपोर्ट आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगा तो ये मिल मुझे मिला है जस्ट अभी मिला है और ये मिला है मुझे दस बारह दिन हो गया पासपोर्ट बारहवें दिन ये पासपोर्ट मुझे मिल गया है और ये न्यू पासपोर्ट है और कुछ इसमें चेंजेस किया गया है जो पहले वाला पासपोर्ट मेरा है ओल्ड वाला वो मैं पवन मोनीटर पर दिखाऊँगा पवन स्मार्ट मोनीटर पर तो जाके वो चैनल देखिएगा फुल वीडियो उस पर मैं डालूंगा और इसका अनपैकिंग भी करूंगा अब बताऊंगा कोई क्वेश्चन होगा तो उस चैनल पे आप करिएगा बताएंगे अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम टू ईयर या थ्री ईयर मांग रहा है तो आपको करेक्शन कर लेना है उसका वैलिडिटी बढ़ा लेना है कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा अगर आपके पासपोर्ट में सोलह मंथ पंद्रह मंथ चौदह मंथ बाकी है तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा नहीं कुछ करेक्शन करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा और दस से बारह दिन में आराम से पासपोर्ट मिल जाएगा कितना चार्ज लगा है और कैसे अपने मोबाइल से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं बहुत कम चार्जिस का लगेगा दोस्तों क्योंकि जो सब बताते हैं वहाँ पासपोर्ट ऑफिस पे भी मैं गया था तो वहाँ कुछ दिक्कत हुआ था क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं पासपोर्ट ऑफिस पे वहाँ आपको ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं क्योंकि आजू बाजू में जो बैठे हैं अगर आपके नाम में कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा एड्रेस में पिता के नाम में तो वो लोग बहुत चार्ज करते हैं कहते हैं मैं पासपोर्ट ऑफिस में बात करता हूँ तीन हज़ार दे दीजिए चार हज़ार मैं आपका सही करवा दूंगा तो मैं उस वीडियो में पूरा आपको डिटेल बताऊँगा उस चैनल पर कैसे आपको इससे बचना है तो वो वीडियो जाके देखिएगा और इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पवन स्मार्ट मॉनिटर पे आप कर सकते हैं और पीसीसी कैसे पचास रुपए में बनवाना है ये भी मैं उस चैनल पे बताया हूँ आपको पचास रुपए में बन जाएगा पीसीसी इंग्लिश में जो इस टाइम लग रहा है इजराइल के लिए शायद तो पीसीसी आप बनवा सकते हैं पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ऑफिस से बनाएंगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस आप से पाँच सौ रुपये लगता है चार्ज आपको घर पे पुलिस आएगी जांच करेगी उसके बाद आपको मिलेगा बहुत उसमें ताम लगता है पचास रुपये वाला आप मोबाइल से ही ऑनलाइन करेंगे पचास रुपये पेमेंट कटेगा आप अपने थाने पर जाएँगे और आसानी से आपके एस पी पी से वेरीफाई होके हो जाएगा तो दोस्तों ये मिला है मुझे पासपोर्ट इसका अनपैकिंग वीडियो पोन स्मार्ट मोनीटर पर मैं बनाऊँगा और आप डाल दूँगा जाके देख लीजिएगा तो इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट ब्लॉग देखने के लिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है तो अनबॉक्सिंग का वीडियो इस पर नहीं मैं पोन स्मार्ट मॉनिटर पे डाल दूंगा